दोस्तों, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान नारायण किसी न किसी रूप में पापियों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। चाहे वह सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग, भगवान ने हर बार युग के अंत में अवतार लेकर पापियों का विनाश किया ही है। और अब कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में भगवान कब अवतार लेंगे और किसका वध करेंगे, तो इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि हर युग के अंत में जब पाप और अन्याय अपने चरम पर होता है तो भगवान नारायण उस युग का अंत करके नए युग की नींव रखने के लिए अपना अवतार लेते ही हैं। और अब तक नारायण ने 9 अवतार ले लिए हैं। कलयुग में भगवान नारायण अपना 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार लेने वाले हैं। और कल्कि अवतार लेकर वो कल्कि राक्षस का वध करेंगे। कल्कि राक्षस वही है जिसने कलयुग को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। लेकिन अगर आप कल्कि राक्षस या फिर कली पुरुष की कहानी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ इस सृष्टि की शुरुआत में चलना होगा। तो इस कहानी की शुरुआत के लिए हमें सृष्टि की रचना के स्रोत के समय यानी सतयुग में जाना होगा। मित्रों, सतयुग में समुद्र मंथन की कहानी आप सबने सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को उठाया गया और फिर विष्णु जी के वाहन गरुड़ देव ने उसे उठाकर समुद्र में रखा। और फिर नागों के राजा वासुकी, जो महादेव के गले की शोभा बने हुए हैं, उन्होंने उस पर्वत को रस्सी बनकर लपेटा। और जिस तरह दही को मथकर माखन बनाया जाता है, उसी तरह मंदरांचल पर्वत से समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। विष्णु पुराण में अंकित है कि समुद्र मंथन के दौरान राक्षसों ने वासुकी के मुख को पकड़ रखा था और देवताओं ने वासुकी की पूंछ को पकड़ रखा था। लेकिन अब भी समुद्र मंथन करना आसान नहीं था, क्योंकि मंदरांचल पर्वत बहुत बड़ा था और समुद्र में इसका घूमना असंभव था। इसलिए एक बार फिर नारायण ने अपनी युक्ति लगाई और कछुए का अवतार धारण किया। कछुए का अवतार लेकर नारायण ने मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और फिर वासुकीनाथ की सहायता से मंथन शुरू किया गया। सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन में से बहुत कीमती रत्न और बहुत सारे कीमती आभूषण निकले थे। लेकिन सबसे पहले समुद्र मंथन में से जो बाहर आया था वो सभी की परिकल्पना से पड़े था। समुद्र में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो बहुत विषैला और तेज विष था। हालांकि नारायण इस हलाहल के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन अगर वो देवताओं और राक्षसों को इस बारे में बता देते तो ना तो देवता और ना ही राक्षस समुद्र मंथन में नारायण का साथ देते। और अगर समुद्र मंथन नहीं होता तो नारायण लक्ष्मी को कैसे ग्रहण कर पाते। इसलिए नारायण ने अपनी युक्ति लगाई और देवताओं और दानवों को केवल समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत के बारे में बताया। लेकिन अब तो हलाहल निकल चुका था और किसी में भी इसके तेज को सहन करने की क्षमता नहीं थी, तो किसी न किसी को इसका पान तो करना ही था। परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवताओं को और आधा असुरों को पीना था। लेकिन ना तो देवता और ना ही दानव इस हलाहल का विष का प्रभाव सहन करने में सक्षम थे। इसलिए नारायण ने महादेव से इस विष को ग्रहण करने का आग्रह किया और नारायण के कहने पर भगवान भोलेनाथ ने हलाहल का पान कर लिया। लेकिन हलाहल ब्रह्मांड का सबसे विषैला विष था, इसलिए इसका प्रभाव भोलेनाथ पर भी विकराल रूप दिखाने लगा। विष के प्रभाव से भोलेनाथ का शरीर तपने लगा था। तब नारायण ने शक्ति रूपी देवी पार्वती को उनके प्रेम की शक्ति का स्मरण कराया और पार्वती ने अपने तेज से हलाहल को भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। अब जब विष गले में ही अटक गया था तो इससे भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और तभी से महादेव को ब्रह्मांड में नीलकंठ के नाम से बुलाया जाने लगा। लेकिन इसी बीच ये विष कहीं और भी गिरा था। अब अगर आप ये सोचते हैं कि कली पुरुष कलयुग में ही जन्मा है तो आप गलत हैं। कली पुरुष का अस्तित्व सृष्टि की शुरुआत से ही है। और जब महादेव विष का पान कर रहे थे तब इस विष की कुछ बूंदे राक्षस कली के मुख में जा गिरी, जिससे कली का शरीर तो खत्म हो गया लेकिन उसका प्रभाव अभी भी बाकी था। इसके बाद भी समुद्र मंथन में से कई कीमती रत्न निकले, जिनमें से कामधेनु को स्वर्ग में स्थान दिया गया और एरावत जैसे दिव्य हाथी को राजा इंद्र को दे दिया गया, जिसे देवताओं ने रखा। कामधेनु गाय को राजा बलि ने ग्रहण किया। फिर जब समुद्र मंथन में से कौस्तुम्भ मणि और शंख बाहर आए तो इन्हें इनके स्वामी यानी नारायण ने धारण किया। और फिर संजीवनी बूटी निकलने पर इसे पृथ्वी में स्थान मिला। ये वही संजीवनी बूटी थी जिसने त्रेता युग में श्रीराम के भाई लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। अब समुद्र मंथन में से जो बाहर आया ये वही था जिसके लिए असल में नारायण ने समुद्र मंथन कराया था। जी हाँ, सही समझा आपने। अब समुद्र मंथन से धन संपदा लेकर नारायणी यानी कि देवी लक्ष्मी जी बाहर आई। लक्ष्मी जी ने स्वयं आकर विष्णु जी से विवाह किया और फिर
चंद्रमा के निकलने पर इसे महादेव के मस्तक की शोभा बनाया गया और आखिर में समुद्र में से निकला अमृत, जिसके लिए दानव और देवताओं ने ये समुद्र मंथन किया था। भगवान धन्वंतरि खुद अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर समुद्र से बाहर आए। अमृत को देखते ही देवता और दानव अपने सुध बुध खो बैठे और आपस में अमृत को पाने के लिए छीना झपटी में लग गए। इस छीना झपटी में धन्वंतरि के हाथ से कलश के हिलने की वजह से अमृत के कुछ बूंद समुद्र में गिर गई। ये बूंदें जिस स्थान पर गिरी थी वो स्थान आज उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और आज भी मान्यता है कि हर 12 साल के बाद यहाँ पर फिर से वही अमृत प्रकट होता है और ये वही समय है जहाँ कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है और प्रयागराज में स्नान करने से असाध्य रोगों का नाश हो जाता है। लेकिन इसी छीना झपटी में अमृत की बूंदें कहीं और भी गिरी थी जो आज इस सृष्टि के विनाश का कारण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कली पुरुष की। कली पुरुष जो हलाहल विष से मर गया था, अमृत की बूंदों के मिलने से वह फिर से जिंदा हो गया, लेकिन उसे अब तक शरीर नहीं मिल पाया था। कल्कि पुराण की माने तो कलयुग के अंत तक कली पुरुष को अपना शरीर वापस मिल जाएगा और फिर ये अपनी पूरी शक्ति के साथ ब्रह्मांड में अपना आतंक मचाएगा। जैसा कि हमें पता है कि कली पुरुष अभी तक अपने भौतिक शरीर में नहीं है, लेकिन ये उसी की शक्तियां हैं जिसने सभी मनुष्यों को अपने अधिकार में किया हुआ है और उसने अपनी शक्ति काम, वासना, क्रोध और मोह, अहंकार, झूठ का जाल इंसानों में फैला रखा है। कल्कि पुराण में वर्णित है कि जैसे जैसे समय बीतेगा और कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और कली पुरुष अपने शरीर को वापस ग्रहण कर लेगा, जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कली पुरुष को अपना शरीर और शक्तियां वापस मिल जाएंगी और फिर धरती के सभी पुरुष कली राक्षस के बस में हो जाएंगे और चारों ओर अधर्म और अन्याय फैल जाएगा और तब कलयुग अपने चरम पर होगा और इसी कल्कि पुरुष को ही खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार में इस कलयुग में जन्म लेंगे। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कलयुग में नारायण का 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार कहाँ होगा, कैसा होगा और वो कैसे दिखेंगे। जब बात हिंदू धर्म के देवी देवताओं की होती है तो त्रिदेवों की पूजा की जाती है, जिनमें ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालनकर्ता और शिव को संहारकर्ता कहा जाता है। शास्त्र कहता है कि जब भी धरती पर धीरे धीरे पाप बढ़ता जाता है तभी नारायण को धरती पर पाप और पापियों का अंत करने के लिए किसी न किसी का अवतार में जन्म लेना पड़ता ही है। भगवान विष्णु ने अब तक 9 अवतार लिए हैं, जिनमें वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, कच्छप अवतार बताए जाते हैं। लेकिन कलयुग जैसे महापापी युग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होना अभी बाकी है। भगवत गीता के 12वें अध्याय में उल्लेखनीय है कि कलयुग में पाप का अंत करने के लिए भगवान नारायण कल्कि अवतार लेकर प्रकट होंगे और श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक के मुताबिक भगवान कल्कि संभल गांव के एक ब्राह्मण विष्णु यश के यहाँ जन्म लेंगे। इनके पिता विष्णु यश और माता सुमति होंगे, साथ ही इनका साथ देने के लिए शंख चक्र और शेषनाग इनके भाई सुमंत प्राज्ञ और कवि के रूप में जन्म लेंगे और इनके पुरोहित याज्ञ वल्क्य जी होंगे और इन्हें शिक्षा खुद भगवान परशुराम जी से मिलेगी और देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठकर सभी पापियों और कल्कि राक्षस का अंत कर देंगे और सतयुग जैसे नए धर्मयुग की स्थापना करेंगे। लेकिन अब सवाल है कि आखिर कल्कि भगवान जनमानस के सामने कब आएंगे। तो दोस्तों, पुराणों में वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में जो पुरुष धनवान होगा स्त्रियां उसी पुरुष के पीछे भागेंगी, चाहे फिर वो पैसा किसी की हत्या करके या फिर किसी को धोखा देकर ही क्यों ना कमाया गया हो। इस बात से औरतों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें सिर्फ पुरुषों का पैसा ही दिखाई देगा और ये सभी बातें आज सच साबित हो भी रही हैं। साथ ही कलयुग में लोग कुल मर्यादा को बिल्कुल भी भूल जाएंगे। स्त्री और पुरुष चाहे किसी भी जाति में जन्मे हों, वो काम वासना के आसक्त रहेंगे। बड़े कुल वाली स्त्रियां छोटे कुल वाले पुरुषों से विवाह करेंगी और उनके रंग रूप और उनके पैसे को देखकर उन्हें पसंद करेंगी। वहीं ऊंचे कुल के पुरुष छोटी जाति की महिला को अपनी पत्नी बनाएंगे। तभी तो आजकल जात पात देखे बिना ही लोग शादी ब्याह कर लेते हैं। इतना ही नहीं, कलयुग में पति और पत्नी की एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। शादी के बाद भी पति पत्नी पर पुरुष और पर स्त्री पर नजर डालेंगे और उन्हें अपना बनाने के लिए साम दाम दंड और भेद अपनाएंगे। वहीं कलयुग के अंत तक पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। पत्नियां अपने पतियों को अपना दास बनाना चाहेंगी। पत्नी अपनी मनमानी करने वाली, पति की बात ना मानने वाली और खर्चीली होंगी। सतयुग में जहां पति को देवता बनाकर पूजा जाता था, वहीं कलयुग में पत्नियां अपनी पति को बेकदरी करेंगी। घर का कोई काम ना करने वाली, ज्यादा खाने वाली, घमंडी, क्रोध करने वाली, कठोर बोलने वाली और बड़ों का मान सम्मान ना करने वाली होगी। वही पतियों से घर का काम कराने से लेकर अपने पैर तक दबवाने को कहेंगी। वही पति अपने पत्नियों के साथ गलत व्यवहार करेंगे और दूसरी औरतों की इच्छा को मन में रखेंगे। कलयुग के पति पत्नी कभी भी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहेंगे। कलयुग में स्त्री पुरुष दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलने वाले होंगे। वह स्त्री पुरुष धर्म के कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहेंगे।
एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे की निंदा करना, चीखना चिल्लाना, गाली देना और मारपीट करना इनके आचरण का हिस्सा रहेगा। कलयुग के स्त्री पुरुष शादी को एक मजाक समझेंगे और जब चाहे वो शादी कर लेंगे और अपने मन के मुताबिक शादी को तोड़ भी देंगे। रिश्तों का मजाक बनाने वाले स्त्री पुरुष कलयुग में बहुत ज्यादा होंगे। पत्नियां अपने साथ ससुर और अपने ससुराल वालों से दूर रहना चाहेंगी। ये स्त्रियां छोटे कद की होंगी और 7 साल की कम उम्र में माँ बन जाएगी। 10 साल की उम्र में स्त्री पुरुषों के बाल पक जाएंगे और 12 साल में इन्हें बुढ़ापा आ जाएगा। स्त्री पुरुषों के शरीर पर ज्यादा बाल होंगे और इनके कपड़े और सोच दोनों छोटे होते चले जाएंगे। कलयुग के पुरुष मदिरा पीने वाले, वैश्यालय जाने वाले, गाली गलौज मारपीट करने वाले रहेंगे। ये धन कमाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहेंगे और अपनी काम आसक्ति में इतना गिर जाएंगे कि माँ बहन पत्नी बेटी किसी का भी लिहाज नहीं करेंगे। कलयुग में जो औरत सुंदर होगी, जिसके केश लंबे होंगे, वो सभी पुरुषों को अपना दास बनाना चाहेंगी और पुरुष स्त्रियों के भोग विलास का साधन बन जाएंगे। कलयुग में प्रेम को उपहास बनाकर रख दिया जाएगा। लोग एक दूसरे से झूठे प्रेम का नाटक करेंगे और उनसे धन ऐठेंगे। तो क्या सचमुच में कलयुग चरम पर है? कलयुग का अंत कब होगा ये भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बीतने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई और वेदों पुराणों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष मानी गई थी। लेकिन जब द्वापर युग के खत्म होने के बाद कलयुग के सिर्फ 51,900 वर्ष ही बीत गए हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है, जबकि कलयुग के अभी 4,26,881 वर्ष बाकी है। तो क्या सचमुच में कलयुग की उम्र कम हो गई है? अगर हाँ, तो जल्द ही भगवान कल्कि का जन्म भी होगा। कलयुग चारों युगों का सबसे भयानक और छोटा युग है। इस युग के खत्म होने के साथ सृष्टि का भी अंत हो जाएगा और तब जाकर फिर से एक बार सभी युगों का चक्र वापस चलेगा और कल्कि भगवान अपने घोड़े पर सवार होकर कल्कि राक्षस को मारकर सतयुग की नींव रखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कलयुग के बारे में जितने भी जानकारी हम आपको दे सकते थे आपको मिल गई होगी। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।